नागपुर शहर पुलिस, सकरदरा पुलिस एवं हजरत बाबा ताजुद्दीन ट्रस्ट द्वारा इफ्तार पार्टी का आयोजन बड़ा ताजबाग के सभागृह में आयोजित किया गया। इस मौके पर नागपुर पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार खास तौर पर मौजूद थे। दर्शकों नमस्कार, इस समय हमारे साथ में नागपुर के पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार जी है, जो कि आज बड़ा ताजबाग सभागृह में इफ्तार पार्टी के लिए आए। आइए उनसे जानना चाहेंगे। सर, ये बताइए कि जिस तरह से आज इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया है, कैसा महसूस कर रहे हो, क्या कहना चाहोगे? बहुत अच्छा आयोजन यहाँ पे ताज बाबा ट्रस्ट के श्री प्यारे खान और उनकी टीम और पुलिस स्टेशन सक्करदरा और जोनल एरिया पे ये आयोजन किया गया है। बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है। मैंने सभी को रमज़ान महीने की बहुत बहुत शुभेच्छा भी दिया है। और इस एरिया में जो पहले कुछ गुनहगारी हालचली थी और उस पर पुलिस ने कड़क कार्रवाई की है, उसका जो उसके बारे में भी कुछ चर्चा हुई है और लोगों ने यहाँ जो पुलिस ने कार्रवाई की है उसके बारे में समाधान व्यक्त किया है। सर, इस परिसर में जो अस्वच्छता का माहौल था, तो आप आने से स्वच्छता तो हो चुकी है, मगर आने वाले 3 तारीख को जिस प्रकार से मस्जिद की भूमि को लेकर राज ठाकरे ने जो ऐलान किया है, क्या कहना चाहेंगे? लोगों को किस प्रकार की शांति बरतना चाहिए? नागपुर शहर के लोग, सभी समाज धर्म के लोग बहुत शांत प्रिय हैं। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे किसी प्रकार की कोई कायदा सुव्यवस्था का प्रश्न निर्माण होगा। और अगर कुछ समाज कंटक, कुछ चुनिंदे समाज कंटक अगर कुछ ऐसा करने का प्रयत्न करेंगे, तो पुलिस विभाग उनके ऊपर कार्रवाई करने के लिए पूरी तरीके से सुसज्ज है। तो आप तो अमितेश कुमार, जिन्होंने बखूबी बेपर के साथ बात करते हुए यह बताया कि अगर कोई खलल पैदा करना चाहता है या किस प्रकार की कुछ भी बातें करना चाहता है, उसे लोग कतई तवज्जो नहीं देंगे। जो लोग कानून हाथ में लेंगे उनके लिए डंडा होगा, जो लोग कानून को हाथ में लेंगे उनको पूरी तरह से शासन होगा। ऐसी कुछ बात आज बड़ा ताज में आयोजित इफ्तार पार्टी में जिन्होंने शिरकत की, ऐसे नागपुर के पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार जी ने कहा है। बड़ा ताजबाग से कैमरा पर्सन सुभाष बुटले के साथ संजय मीरा, BCN न्यूज़ नागपुर।